हेलो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आर यू इंडियन? क्या आप अपने आप को भारतीय समझते हो? इस बात का आप मुझे कमेंट जरूर करना, सोच के बताना, ठीक है? लेकिन अभी अभी आपको पता चला होगा कि एक विष्णु तिवारी हैं जो झूठे रेप की वजह से जिनको 20 साल जेल के अंदर रहना पड़ा और अभी उनको जेल से छोड़ा गया है। तो पहले विष्णु तिवारी की कुछ बातें सुनते हैं, तब तक मुझे आप कॉमेंट करके जरूर बताओ कि आप अपने आप को इंडियन समझते हो या नहीं समझते। भाई साहब, हमको जब फर्जी फंसाया गया था पैसों के चक्कर में, पैसा उनको पैसा मिला था, सरकार से भी पैसा मिला था, दूसरी पार्टियों ने, दूसरे लोग बागों ने उनको पैसा दिया था। कुछ लोग जो हमारे विरोधी थे, जमीन जागा के मतलब विरोध में रहते थे, उनने फंसाने की कोशिश करी थी हमें। हम अच्छे कारीगर थे, मतलब ठीक ठाक काम मतलब करते थे, साड़ी की भी बनाई हमने बनारस में, तो मतलब ठीक ठाक सब था हमारा, और हमसे फंसाया गया था केवल पैसों के चक्कर में। और जब से हम 20 साल से मतलब यहीं हैं जेल में, हमारे माँ बाप, हमारे भाई भाई सब ख़त्म हो गए और हम पे कुछ नहीं बचा। तो हमारे वकील वकील सब खा गए, रिकवरी भरी थी ज़मीन बेच के, वो भी पूरे मतलब पूरे पैसा खा गए वकील भी, रिकवरी का भी। तो 30% भरने पड़ता है, बता रहे लोग बाग के 3% भरने पड़ता है, लेकिन हमारे पिताजी पैसे थे सीधे साधे से, उनने पूरा पैसा भर दिया था उस टाइम। आज 10 लाख की एकड़ नहीं मिलेगी वो ज़मीन जो हमारी 40,000 की एकड़ बिक गई और बर्बाद हो गए, मकान भी गिरा पड़ा है। विष्णु जी, ये बताइए कि सब 20 मौतें साल हो गई, आप हमारे चार घर में मौतें हो गई। हम तो क्या क्या कर सकें, हम बेकार हो गए, 20 साल में टूट गए। किसने शिकायत सिखवा अपना, रोते, कोई सुनने वाला भी नहीं था, चार दीवारी के अंदर कोई नहीं सुनता। ये तो समझ लो ऐसे तेज से काला पानी जैसी जेल है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई आदमी सुनने वाला हो, कोई अंदर मीडिया नहीं जाती कि किसी से अपना दुखड़ा भी रो सको, और न फोन की, हमारा फोन भी नहीं, मतलब से फोन की व्यवस्था हुई, जब से फोन भी नहीं करवाया गया, फार्म भी हम पे रखा रहा, वो भी हमारा पास नहीं हुआ। और हम तो योगी जी की सरकार बनी थी तो हम तो बड़ी मेहरबानी थे, हम समझ रहे थे कि शायद है दुनिया में भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार ख़त्म अंदर नहीं हुआ, बाकी बाहर तो हुआ है। उनने बाहर तो कर दिया भ्रष्टाचार बदमाशों का, और सही चला रहे हैं सरकार, लेकिन अंदर भ्रष्टाचार अब भी है पूरा बरकरार, क्योंकि वहाँ लोग बाग मर रहे हैं अटैक से, पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था सही नहीं, और बिल्कुल बहुत परेशान है। कई आदमी तो छूटने की स्थिति में थे जो 2018 में छूटे गए, 1920 में छूटे ही नहीं गए आदमी, मतलब इस तरीके से अभी कागज़ वागज गए थे। और बहुत बड़ी व्यवस्था है, हम बताओ हम रहेंगे कहाँ, हम पर तो घर भी नहीं है रहने को। हमें तो योगी जी से बड़ी मेहरबानी है, उनसे बड़ी जो कष्ट है कि अगर हमें इस धरती पे अगर जिंदा रखना चाहते हैं हम, तो हम के उनके ही भगत हैं, उनके ही मतलब सेवा में, उनको भगवान के ही रूप में मानते हैं, और साधु हैं वो, और बहुत बढ़िया चीज़ से बाहर वो चला रही यूपी सरकार, बढ़िया से चला रही मोदी जी और वो, तो हम तो उन्हीं से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारी बर्बादी भाई वो हमारी बर्बादी की पूर्ति वही करेंगे, और हमें तो उन्हीं से उम्मीद है। उम्र उस टाइम 17 साल की थी। अब कितनी उम्र है आपकी, बात करूँ? अब तो 37 साल की है, 37 46, मतलब ये पेपर में कागजों में 37 साल हो। हाँ, कागजों में मतलब 37 साल हो रहा है मतलब वैसे, लेकिन 46 साल मतलब उम्र लिख रही है। महसूस तो हम कर रहे हैं कि सर हमें बाहर की दुनिया की आज़ादी मिली है, लेकिन ऐसी आज़ादी देखो, उम्मीद है हमें उनसे, सरकार से, और उनसे जब हमारे जजमेंट में हमारा जज ने हमारा घुमाई नहीं सुनी, हमारी गरीबी स्थिति का वो हुआ है, तो पैसा नहीं थे, हमारे पिताजी ख़त्म हो गए थे, तो वकील ने भी मना नहीं करी, वकील ने मना कर दी बहस करने से। जब से हम तो जेल में हैं, अब क्या उम्मीद करें, हम शरीर से ना टूट गए अंदर से, कुछ नहीं बचा हमें, परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब ख़त्म हो गए, तो हम बताओ क्या करें। एक भाई है हमारा छोटा, वो भी मानसिक तनाव में रहने लगा है, शादी नहीं करी उसने, सब कुछ परिवार में उजड़ गया, ज़मीन बिक गई, अब हम क्या कर सकें। हमें तो उन्हीं से बस योगी जी से ही, शादी वादी भी नहीं होती आपकी? शादी भी नहीं भाई हमारी, तो हमारी शादी का टाइम तो जब ही होता कुछ दिन समय उससे पहले ही हम जेल में आ गए सर। हम तो भाई साहब और निर्दोष ही हैं, तो हम तो मतलब हम दोषी कहाँ हैं, निर्दोष ही हैं मैं तो, और मानने की कसम की और नहीं। 5 आदमी मत थे उसके, वो बिगड़े घर था, मतलब बिगड़ा हुआ घर था, उनका बचलन का हिसाब थोड़ा सा वैसा रहा, तो हरिजन एक्ट का हिसाब था, हरिजन एक्ट लगवा देते, पैसा मिलता था उनको उस टाइम, पैसा के हिसाब से मतलब हरिजन एक्ट बनवा दिया, वैसे झगड़ा हुआ था। हमारा कोई परिवार से अभी कोई लेने नहीं आया, सब परिस्थिति ख़राब है, गरीबी है, तो वो नहीं आए, तो
अभी हम खड़े हैं हम तो। अच्छा ये बताइए, जेल में आपने काम किया, जेल के अंदर होता है कि आप जब काम करते हैं तो कुछ भुगताना होता है, तो क्या कितना आपको भुगतान किया है, लोगों ने पैसा दिया है आपको? बहुत साल पहले अभी कुछ समय से ही 40 रुपया देन लेने लगे, उसमें भी 15% हमारा कटता था और पहले 10 रुपये मिलते थे बेलकारी के। हमारे से ये हाथ हैं हमारे, ये हाथ देखो जो चट्टे पड़ गई इसमें, मतलब करते करते बेलते बेलते और बस यही रहता था, कुछ नहीं, 10 रुपये मिलते थे और वही वहीं की वहीं कूपन मिलते थे, सामान वामान दिया जाता था बस ले लो और कुछ नहीं। हम तो आज तुम रिहा हुए तो कुछ दिया चीज़ें? हमारे पास कूपन थे तो 600 रुपये के कूपन हम पे बदले। तो दोस्तों अपने वीडियो देखिए, एक भारतीय की एक इंडियन की ये औकात है, जो रियल औकात है वो ये है। इससे अच्छा तो बांग्लादेशी हैं जो सारे चोरी छुपे इंडिया में आते हैं, दिल्ली में रह रहे हैं 1 करोड़ से ज़्यादा। 3-4 दिन पहले किसी लेडीज़ की, पता नहीं किसी जेंट्स की चैन को तोड़ लिया, उसको चाकू मारे उसको मार दिया, घंटा आज तक जेल में नहीं गए और ना जाएंगे भाई साहब। पता है क्यों? सिर्फ वोट के लिए। और ये बेचारा, इसके दादा परदादा पता नहीं कब से इंडिया में रह रहे होंगे, इंडिया के ही हैं ही ये, ठीक है। और इसको इंसाफ अभी मिला है, और अभी इंसाफ पता है क्यों मिला है? सिर्फ वोट के लिए, ठीक है। सरकार कोई भी हो भाई, पार्टी कोई भी हो, सब अपना फ़ायदा देखती है, ठीक है ना। लेकिन एक इंडियन की औकात है ना ये है, एक भारतीय से अच्छे तो बांग्लादेशी हैं, साले जो भारत में आके रहते भी हैं, हम ही को मारते हैं, हमारा ही खाते हैं और हम पे ही राज चलाते हैं। अभी आए हैं, अगले 10-15-12 साल में है ना, 18 साल में उनके बच्चे हमारी गवर्नमेंट में आ जाएंगे, कहीं कोई जॉब करेगा, क्या पता यार कोई मिनिस्टर भी बन जाए। पार्टियों का भरोसा थोड़ी ना है, क्या पता किसको टिकट दे देंगे, हमारे सिर पे बैठ के नाचेंगे, ठीक है। केजरीवाल भाई साहब, ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है। मैं किसी के पार्टी के मतलब साइड में नहीं हूँ, ना किसी के अपोजिट हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है भाई, ठीक है। कुछ किया वो बांग्लादेशियों का, 1 करोड़ से ज़्यादा पड़े हैं यहाँ पे बांग्लादेश में, ये अपना वेस्ट बंगाल में कितने बांग्लादेशी आते, किसी को भगाया आज तक? कोई नहीं जाता, ठीक है, सब वोटिंग के लिए है जो कुछ होता है। तो भाई एक इंडियन की औकात ये है, कुछ भी कर लो, अच्छा कर लो बुरा कर लो, मरोगे तुम ही भाई, ठीक है। अगर ये कोई वकील करता तो वकील इतने पैसे ले लेता, इसके तो घर जमीन सब कुछ बिक गया, इसकी तो एज चली गई, ये तो बुड्ढा हो गया बेचारा, क्या घंटा करेगा, इसको 1 करोड़ रुपए दे दोगे फिर भी इसका कुछ नहीं होगा? भाई साहब मैं सच बताऊँ क्या बोले यार, इन मिनिस्टर से अच्छा ना भाई मुझे बिठा दो, मैं अगर CM बन जाऊँ दिल्ली का, माँ की कसम सबसे पहले तो ना बांग्लादेशियों को निकालो यहाँ से, ठीक है, फिर बनूँ PM, फिर पूरे इंडिया से निकाल दो जो फालतू बनते हैं, ठीक है। पता है अभी आपको नेपाल के अंदर 4 बंदे घूमने के लिए गए थे, किसी ने कुछ बात बात कुछ हो गई होगी, एक नेपाली ने 2 को ठोक दिया वहीं पे। इंडियन की औकात नेपाल में ये है, वो सारे नेपाली यहाँ पे आके कितना काम करते, क्या कुछ नहीं करते, यहाँ पे खाते हैं यहीं पे, कमाते हैं यहीं पे, उनको जॉब्स के अंदर कितनी छूट मिलती है, हाइट में क्या कुछ नहीं मिलता है इनको, और इंडियन की ये औकात होती है वहाँ पे जाके। तो यार मुझे नहीं पता यार ये वीडियो आपको कैसे लगी होगी, थोड़ा दिमाग गर्म सा हो रखा था वीडियो देख के। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।